विकास होता है लोगों को विकास से, जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, सारे लोग जा रहे हैं बड़े शहरों में जा रहे हैं जॉब्स के लिए। रोजगार चाहिए, पानी चाहिए और रास्ता चाहिए। विकास के नाम पे वोट दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद भी है। विकास के तो ढेर सारे मुद्दे हैं, अपने यहाँ एयरपोर्ट नहीं हो पाया, एम्स भी निकल गया हाथ से, तो ये सारी चीजें हैं। एक महीना को उन्हीं राशन कार्ड ले रहे लोग, राशन ना पूरा नहीं, ये हमने के दो परिवार के 10 मिले के चाहिए, 10 किलो से 9 किलो मिले था। जॉब को लेकर तो थोड़ा युवा के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा झारखंड को लेकर के। झारखंड में मतलब कि कहीं पे पेपर लीक हो जाता है। नमस्कार, TV45 आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, 13 तारीख से मतदान शुरू है और उसके पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। मैदान में लगातार प्रत्याशी जो हैं वो नजर आ रहे हैं मेहनत करते हुए। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है क्योंकि हम पब्लिक से ही जानेंगे कि इस बार माहौल क्या है और इस बार धनबाद की जो जनता है उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है भैया, ये सब जानती है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम ग्राउंड लेवल जीरो पे मौजूद हूँ। आप ये तस्वीरों में मेरे बगल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जलेबी की ये दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत फेमस दुकान है, अक्सर लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। और साथ में हमें एक अम्मा भी मिली है जो यहाँ पकौड़ी खा रही है। पहले अम्मा से ही बात करेंगे। अम्मा, उम्र कितनी हुई आपकी? हमारा 70। 70 साल हो गया, मतलब आजादी को जितना साल हुआ देश को उतना आपका उम्र भी हो गया। आजादी के बाद हमारा जन्म हुआ। अच्छा, आजादी के बाद जन्म हुआ। अम्मा धनबाद में कब से? धनबाद हमारे बाबू दादा खानदानी है। अच्छा। इस सब रोड में इस समय तो कुत्ता नहीं मिलता था। अच्छा। हमारा राजगंज बाबू घर हुआ, हम यहीं पर रहते थे भाड़ा में, शंकर दास सिंह के बगल में। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार धनबाद की जो जनता है वोट वोट करने जाएगी तो मुद्दा क्या रहेगा? विकास विकास धनबाद में हुआ है? हाँ, होगा। विकास हुआ है धनबाद में? विकास हुआ और ऑफिस खुले, ऑफिस हमारा ऑफिस है, ऑफिस भी खुल गया। मतलब क्या राशन वाशन शौचालय वौचालय मिला आपको? शौचालय हम लोग अपना पैसा से बना है, राशन अपना पैसा से किनते हैं कोटा से। तो और महिला सुरक्षित है धनबाद में? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई का व्यवस्था? हम सबको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बना दिए, राशन कार्ड बना दिए। अच्छा। हाँ, विधवा पेंशन मिलता है। और हरिजन टोला में सबको घर उर दिलाए हैं। अच्छा, हरिजन टोला में घर वर भी दिलाए हैं। मतलब पहले, अगर आप 70 साल से मतलब हैं धनबाद में, तो पहले से लेके अभी अगर देखे तो विकास बहुत अच्छा हुआ है, बिजली बिजली सब मिल रहा है। इस समय तो कुत्ता नहीं रोड में मिलता था पहले। अच्छा। अब बहुत विकास हो गया। मतलब आपका जो बाल पका है वो पूरा देखते देखते पक गया है, खुश है आप कहीं ना कहीं? तेरा ऐसे पोती है? अच्छा, मेरे जैसे पोती है। देखिए अम्मा के भाई 70 साल उम्र हो रही है, उनका कहना है कि विकास कहीं ना कहीं हुई है, वृद्धा पेंशन भी मिलता है, शादी कर दी है, बच्चा का माँ हो गया। ठीक है, भैया से भी बात करेंगे। भैया कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? 1.5 साल से लगा रहे हैं। क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे के लेके इस बार वोट करने जा रहे हैं? राशन कार्ड वार्ड बना है? हाँ, राशन कार्ड। विकास, मतलब आपको क्या लगता है, आप 10 साल पहले जब भारत को देखते थे और 10 साल बाद आज धनबाद को देख रहे, तो क्या लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ उसका है। बहुत हुआ है। समोसे वाले भैया से बात करेंगे। भैया विकास हुआ है? हाँ हाँ हुआ है। पहले ऐसा माना जाता था कि बड़ी मतलब सुविधाएं नहीं थी, अब हेल्थ की भी सुविधा है, बिजली पानी सब चीज में व्यवस्था है। सब चीज का व्यवस्था है। अच्छा, आप युवा हैं तो ये बताइए कि रोजगार को लेके आपको क्या लगता है, रोजगार की जो रोजगार बढ़ा है पिछले 10 सालों में कि नहीं बढ़ा? तो जरूर है रोजगार। मतलब आप प्रॉफिट आपको हो जाता है इससे? हाँ, अपना हाजिरी जो है सो निकल ही जाता है, ऐसा बात नहीं है। आखिर जब कहीं भी काम करने से तो है कि अच्छा है, अपना जो भी है हाजिरी उजरी सब बचिए जाता है। मतलब आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में जो सरकार काम की है कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सुधरी? जी जी। तो इस बार आप जब वोट देने जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नेता में आप देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है एक अच्छा नेता कौन साबित हो सकता है? वो तो हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, अपना जनता अपने, हाँ हाँ, वो बढ़िया ही चुनेगा, जो भी चुनेगा बढ़िया ही चुनेगा। और भी कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। धनबाद से ही है अंकल? हाँ, धनबाद से हूँ। जब वोट देने जाइएगा तो धनबाद की जनता जो है उनके मुद्दे क्या होंगे, किस चीज को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? एयरपोर्ट होना चाहिए, एयरपोर्ट होना चाहिए धनबाद में। जी, एयरपोर्ट कंपलसरी है, जरूरी है। यहाँ के जो वासी हैं उनको दूर दूर जाना पड़ता है, दुर्गापुर रांची जाना पड़ता है, इसलिए एयरपोर्ट धनबाद में होना चाहिए। सांसद महोदय से आग्रह है। क्या लगता है
है कि एक मतलब बिजली पानी की व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात, बिजली पानी तो सब ठीक है, हमारे एयरपोर्ट बहुत जरूरी है, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक है। कुछ दिन पहले एम्स की भी मांग उठ रही थी धनबाद में कि एम्स भी होना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी थोड़ी होनी चाहिए, मगर क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी एयरपोर्ट को देना चाहिए। अगर कोई बाहर से भी लैंड कर रहा है, कोई बाहर से भी आ रहा है, तो सबसे पहले एयरपोर्ट की होनी चाहिए, लोगों को खर्च अतिरिक्त पड़ जाता है, 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, दुर्गापुर से पकड़िए, रांची से पकड़िए। कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो मतलब अगर ग्राउंड लेवल की मैं बात करूँ तो एयरपोर्ट सबसे ज्यादा आप अहम मानते हैं। मानता हूँ मैं, मतलब जो भी सरकार जीत के आती है, जो भी प्रत्याशी जीत के आते हैं, उनको पहला मुद्दा उनको ये रखना चाहिए, कितने साल हो गए आपको धनबाद में? धनबाद में 16 साल हो गया। 16 साल से आप काम कर रहे हैं, तो देखिए ये पब्लिक है, जनता से ही हम जानेंगे, आप धनबाद से ही हैं? हाँ, धनबाद से। कितने साल हो गए धनबाद में रहते? पिछले 20 साल से। 20 साल में विकास कितना परिवर्तन देखते हैं तस्वीरों में? एक हो तो बैंक मोड़ का फ्लाईओवर अभी तक बना नहीं है। अच्छा। और ट्रैफिक का इतना बड़ा समस्या है, सुबह शाम हम लोग को जाते जाते काफ़ी परेशानी होती है। तो मेरा कहना ये है कि विकास होता है लोगों को विकास से, जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, सारे लोग जा रहे हैं बड़े शहरों में जा रहे हैं जॉब्स के लिए, पलायन कर रहे हैं। दूसरा चीज़, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जॉब पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है अभी। हाँ, बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी यहाँ कोल इंडिया है, CSRI है, ISM है, जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन से यहाँ इतने बड़े बड़े हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ना एयरपोर्ट है। जनरली क्या होता है ना, जितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जो भी है कोल इंडिया के बड़े अधिकारी है, वो यहाँ पे ऑफिसेस तभी लगाएंगे जब यहाँ एयरपोर्ट होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का साधन तो होना चाहिए ना। और हम लोग को जाना पड़ता है एयरपोर्ट के लिए, रांची जाना पड़ता है या फिर अंडाल एयरपोर्ट, अभी वैसा ऑपरेशनल है नहीं। तो हमको लगता है ना कि अगर अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है, बड़े बड़े इतने इंस्टीट्यूशंस है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम जिस शहर में हम बात करें, IIT ISM जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे है, बच्चे अगर बाहर से आ रहे हैं इमरजेंसी में आना पड़े तो एक एयरपोर्ट तो बहुत, एयरपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। प्लस कहीं भी जाना है शहर के अंदर में, तो उसके लिए इतना ट्रैफिक से ना कुछ कहने लायक नहीं, तो कम से कम कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, उस पर काम करना अगर शहर का विकास करना है तब। रेल ऐसे सारे जगह लगभग अवेलेबल है, और धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो तो होगा ही होगा, वो तो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है इस हिसाब से। लेकिन क्या है ना कि सबसे ज़रूरी जो रोज़ के जीवन में काम में आता है वो रोड कम्युनिकेशन होता है, तो रोड कम्युनिकेशन बेहतर करना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ना। ट्रैफिक लाइट्स है कहीं, ट्रैफिक मतलब कि इतना व्यवस्था ख़राब है ना कि एक्सीडेंट होने का आए दिन बना हुआ रहता है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स हो गए, सिग्नल्स हो गए, वो सब सारा दुरुस्त व्यस्त करना पड़ेगा, क्योंकि शहर बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा ना। आप जो प्रत्याशी चुन के जाते हैं उनसे आपकी यही उम्मीदें हैं, जब आप वोट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को विकास के अलावा मुझे लगता है खास कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए, विकास ही मुद्दा होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ महंगाई की मार तो जनता सह लेती है, क्योंकि देखिए महंगाई उसी से कंपनसेट होता, मेरे आय बढ़ेगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिक कंपनसेट हो जाएगा, और महंगाई कुछ होता नहीं है उस हिसाब। पहले 80 रुपये का मजदूरी हुआ करता था, आज 400 रुपये का मजदूरी हो गया, तो महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ा, तो महंगाई कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, वो सारे चीज़ उसी हिसाब से। आप 2 समोसा खाते थे, अब 1 समोसा खा रहे हैं? हम समोसा ऐसे पहले भी एक ही खाते थे, अभी भी एक ही खा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। देखिए ये जरूरी है कि धनबाद में जैसे इन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एयरपोर्ट की मांग जैसे कि अंकल जी ने बताया था कि एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। धनबाद से ही हैं आप, कितने सालों के धनबाद में रहे हुए? 14 सालों के। 14 सालों के, तो विकास की गति कितनी बदली है यहाँ पे, और ऐसा कौन सी डिमांड है, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा विकास है जो अभी धनबाद में होना चाहिए? BJP के कार्यकाल में तो अभी काम हुई है, और लगता है कि 2-3 चीज़ है जो होना चाहिए था, जैसे मैं पेट्रोल का था जो यहाँ से चला गया देवघर, एयरपोर्ट जो देवघर में बन गया, अंडाल में बन गया, वो धनबाद में भी होना चाहिए, और भी चीज़ें रोड वगैरह में तो सुधार हुई है, लेकिन वो एयरपोर्ट और भी चीज़ है जो, हाँ फ्लाईओवर को जाम से निजात के लिए, हाँ एम्स, फ्लाईओवर और एक एयरपोर्ट, ये 3 चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वो होनी चाहिए।
युवा, आप युवा हैं, युवा के तौर पे आप किन चीज़ों को देखते हैं कि युवा के तौर पे क्या रोजगार के आसार जो है वो बढ़े? क्योंकि जैसे कि अभी भैया बता रहे थे कि जब तक यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं आएगा, कम्युनिकेशन नहीं ग्रोथ होगा, तब तक इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, और इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो रोजगार नहीं। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए सबसे पहले एयरपोर्ट होना चाहिए और भी चीज़ें बननी चाहिए जिससे कि लोगों को स्वयं रोजगार करने का मौका भी मिले। और इससे क्या होगा कि एयरपोर्ट वगैरह बनने से ट्रांसपोर्टिंग की भी सुविधा बढ़ेगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये चीज़ है जो होनी चाहिए धनबाद में, जो अभी तक नहीं हो पाई। यही इस बार जो प्रत्याशी जीत के आते हैं उनसे कहना कि धनबाद की जनता के ये आसार है कि वो लोग इस चीज़ में डेवलप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होनी चाहिए बेसिक चीज़ें, और उम्मीद है कि आने वाली सरकार जो भी हो वो इस पर काम करेगी। क्या माहौल फिलहाल धनबाद में क्या चल रहा है? माहौल तो देखिए 50-50 का है, 50-50 का, लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बीजेपी का समर्थक। ठीक है, आपके हिसाब से 50-50 का माहौल चल रहा है, कुछ लोग और हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। धनबाद से जी बिल्कुल, क्या लगता है लोकसभा चुनाव अब शुरू हो चुके हैं, क्या लगता है कि इस बार धनबाद के जो युवा हैं उनके मुद्दे क्या होंगे? मेरा मुद्दा यही है रोजगार। देखिए सबसे बड़ा चीज रोजगार है, क्योंकि रोजगार नहीं तो कुछ नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज के डेट में लोग राशन ले रहे हैं कोटा से, अगर विकास नहीं तो फिर रोजगार कुछ नहीं। तो क्या लगता है नेता जब चुनाव आता है तो वादे तो बहुत लंबी लंबी फेरिस तैयार हो जाती है, बाद में पूरा होता है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं होता, ना होता ना होगा। आप खुद देखिए ना, हम लोग लगातार 3 बार हम लोग जितवाए पीएन सिंह को, वो क्या किए हम लोग के लिए? पढ़ लिख कर 10,000 के नौकरी के लिए हम लोग सोचना पड़ता है, क्या किए पीएन सिंह हम लोग के लिए? अब ढुल्ली जी से कुछ उम्मीद है, अब वो शायद कुछ करे हम लोग के लिए। नहीं हम लोग को जरूरत नहीं था, ना एम्स का जरूरत था ना एयरपोर्ट का, सब कहाँ चला गया? निश्चित काम जी ले गए इसकी जगह पे, पीएन सिंह के जगह पे हमारे ढुल्लू जी रहते शायद कुछ कर सकते थे, शायद कंफर्म तो नहीं बता सकते लेकिन बट शायद वो हम लोग के लिए कुछ कर सकते थे। इस बार तो मैदान में तो उम्मीद है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल कमल खिलेगा, कर सकते है ना, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं कमल खिलेगा तो खिलेगा। हाँ मुद्दे बिना इलेक्शन का मुद्दे क्या नजर आएगा? रोजगार मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए पानी चाहिए और रास्ता चाहिए। धनबाद की जनता इस बार विकास के नाम पे वोट दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद भी है, बिल्कुल है उम्मीद है, क्योंकि वो जमीन से उठे हुए हैं, वो किन्हीं का धरोहर नहीं है कि बाप दादा मंत्री थे, विधायक थे, सांसद थे तो बेटा भी बन गया। ढुल्लू मातो जमीन से उठे हुए हैं। जमीन से जुड़ा हुआ नेता आता है एज ए प्रत्याशी चुन के, तो क्या लगता है फिर उम्मीदें युवाओं की? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रगल करना क्या होता है, एक मिडिल क्लास को स्ट्रगल करना और मार्केट में रहना, सेटिस्फाइज करना, उनको पता है कि अगर लड़का लोग सेटिस्फाई कर रहा है या जमीन से जुड़ा हुआ है तो स्ट्रगल करना क्या होता है, उनको पता है, क्योंकि वो खुद कर करके इतना दूर पहुंचे हैं। उनका बाप विधायक नहीं थे, उनका दादा सांसद नहीं थे। मैं जितना जानती हूँ कोयलांचल कहा जाता है धनबाद को, तो जिस तरह से यहाँ पे कोल माइन से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ सकती है रोजगार की, अगर अच्छी तरह से काम किया जाए तो धनबाद की जनता भी कहीं ना कहीं। सबसे ज्यादा ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा खनिज झारखंड में है, बिल्कुल, लेकिन झारखंड सबसे पिछड़ा वर्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ का नेता चाहता ही नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो तो अपने रोटी सेक नहीं पाएंगे वो, सिंपल सी बात है। उनका कहने का मतलब यही है कि तुम अनपढ़ रहो, गरीब रहो ताकि मेरा झंडा ढो सको, सिंपल सी बात है। वो जानते हैं कि डेवलपमेंट हो जाएगा। अब युवा पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं वो भी तो मैडम हमारे कहने मतलब युवा पढ़ लिख कर सब ठीक है, बट सेंट्रल से कुछ आदेश होगा तभी तो युवा कुछ कर पाएंगे, वैकेंसी होगी तभी ना। हम लोग को वादा तो बहुत बड़ा किया जाता है कि रोजगार देंगे, रास्ता देंगे, पानी देंगे, मिलता कहाँ है? पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। इस बार माहौल क्या चल रहा है? डुल्लू माता जी है, क्या कि बगमारा क्षेत्र में जितने भी बेरोजगार युवा लोग थे सारे लोग कहीं ना कहीं सेटल है। जी हाँ, इस बार सारे जितना भी युवा लड़का है धनबाद में, पूरा धनबाद जिला में जितने भी, सब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भैया संसद बनेंगे, सबका कोई कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। आप लोग युवा है, आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं? क्योंकि जब बिजली चली जाती है या सड़क में एक एक घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ता है तो उस वक्त क्या याद आता है कि अरे विकास तो होना चाहिए शहर? जी हाँ, विकास तो होगा ही। बात ऐसा है कि जैसे सड़क है तो सड़क का भी निर्माण होगा, जैसे केंद्र से फंड पास होगा तो यहाँ काम होगा, अब जब केंद्र से फंड ही नहीं पास होगा तो काम कहाँ से हो पाएगा। और दूसरे नंबर में बेरोजगारी का बात किया तो युवा लोग बेरोजगार हैं। आज अगर बिना लाइन का हम आधा घंटा रह सकते हैं, पर भूखे मेरा फैमिली आधा घंटा नहीं रह सकता, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका उम्मीद है कि इस बार कुछ काम होगा।
जिस तरह से वो प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं ढुल्लू महतो जी, ये श्योर है कि इस बार युवा लोग को काम मिलेगा। अपने प्रत्याशी से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो डेवलपमेंट करे। आप धनबाद बोलो जी जी जी, लगता मुद्दे क्या होंगे इस बार वोट देने चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, राशन, क्या ऐसे मुद्दे होंगे आपके? सरकार ये चीज तो चाहिए 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 चाहिए। वोट देने जाते हैं तो ये सब चीजें मन में आती होंगी कि क्या विकास हो धनबाद का? जी हाँ, कि लाइट, बिजली, पानी सब तो चाहिए। जी ये है हम चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं मैं ग्राउंड जीरो पे इस वक्त धनबाद में मौजूद थी और आपको बता दूं कि यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि पब्लिक की जो वो मांग है वो एयरपोर्ट के लेके है कि एयरपोर्ट को लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो है वो पूरा होना चाहिए और जनता यही चाहती है, क्योंकि देखिए पब्लिक है। और ग्राउंड जीरो से अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट हुआ है लेकिन वो विकास नहीं हो पाया जो जनता यहाँ पे चाहती है। ज़्यादा खड़ी है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अंकल जी धनबाद से ही हैं? जी बिल्कुल। कितने साल हो गए धनबाद? लगभग 24 साल। क्या लगता है लोकसभा चुनाव शुरू है, मुद्दे इस बार धनबाद की जनता के क्या होंगे? क्या ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं, जो प्रत्याशी आते हैं जीत के वो विकास करवाएं? विकास के तो ढेर सारे मुद्दे हैं। अपने यहाँ एयरपोर्ट नहीं हो पाया, एम्स भी निकल गया हाथ से, तो ये सारी चीजें हैं। जितने ज्यादा ज्यादातर लोगों से बात किया, नो डाउट रोड का काफी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, फ्लाई ओवर की डिमांड है। अपना गया ब्रिज के नीचे जो है वहाँ फ्लाई ओवर की डिमांड है। जितने लोगों से मैंने बात की आपसे पहले 10 लोगों से, मुझे लगता है 9 लोगों ने कहीं ना कहीं एयरपोर्ट की मांग की, क्योंकि लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट अगर डेवलप हो जाता है तो कम्युनिकेशन भी बन जाएगा और आने जाने में लोगों की, क्योंकि IIT ISM जैसे बड़े संस्थान यहाँ बड़े संस्थान हैं, वो वहाँ के बच्चों को बहुत ही आराम होगी। फिर यहाँ के बहुत सारे बच्चे, इवन कोलियरीज के बच्चे बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को भी आने जाने में बहुत ही आसान, मैंने आराम होगा, कम्फर्टेबल हो जाएंगे उनका। ये कहीं ना कहीं। और बिजली पानी की सुविधाएं कैसी हैं? बिजली की स्थिति बहुत ही डमाडोल है। साल में समझिए तो 2-2.5 महीने ही ढंग से बिजली रहती है, बाकी समय 4-5 घंटे 8 घंटे तक लोड शेडिंग चलता है। उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, तब भी बहुत हद तक हुआ है। अभी वायरिंग जो खुली थी उसका ठीक किया गया है, काम हो रहा है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। 21वीं सदी में हम जब बात करते हैं विकास भारत की, तो उस वक्त हमें वो तस्वीरें नजर आ रही, अभी धीरे धीरे नजर आ रही है, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन इसको और ज्यादा हाई स्पीड में होना चाहिए था। माहौल क्या लग रहा है? ये तो कहना बड़ा सा मुश्किल है, चूँकि हाँ, चूँकि दोनों ही जो कैंडिडेट हैं RJ, अभी आपके कांग्रेस के और ये क्या नाम है BJP के, तो ये थोड़ा सा टसल तो रहेगा इस बार। सरकार के तो कहे के चाहे कि आधा गरीब के दे था, आधा दे था ये नहीं खे। अच्छा। गरीब के राशन एक एक महीना के उन्हीं राशन काट ले रहे लोग ना, पूरा नहीं। ये हमने के 2 परिवार के 10 मिले के चाहे 10 किलो से 9 किलो मिले था। अच्छा। ओहो में किलो काटिए ले था। बिजली उजली घर पे आता है? हाँ बिल्ली तब सबको कटाई था, तो हमनियों का कटाई था। अच्छा। युवा भी कुछ हैं, धनबाद से ही हैं? यस, मैं धनबाद से ही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अंजू नाम है मेरा। अंजू, एक लड़की के तौर पे और एक, जब आप धनबाद में वोट देने जाते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे आप, तो क्या लगता है लड़कियों के क्या मुद्दे हैं? सेफ्टी इशूज हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़नी चाहिए, क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इस बार? जॉब को लेकर के तो थोड़ा युवा के लिए बहुत सारा मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा झारखंड को लेकर के। झारखंड में मतलब हर मतलब कि कहीं पे पेपर लीक हो जाता है तो स्टूडेंट्स किसी तरह का मतलब कि बहुत सारा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। परीक्षा दे रहे हैं परीक्षार्थी, फिर होता है मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं रहता है, और अगर सपोर्ट कर भी रहे हैं तो पैसेज का प्रॉब्लम आता है। ये चीज़ को सोचते हुए सरकार को भी थोड़ा इनके लिए सोचना चाहिए, यही कह सकता है। और गर्ल्स सेफ्टी को लेकर क्या लगता है, धनबाद कितना सेफ है? गर्ल्स सेफ्टी को लेकर के ये कह सकते हैं कि रास्ते में मतलब कि पुलिस वगैरह तो रहता है, लेकिन फिर भी होता है हर जगह पे तैनात नहीं होते हैं, पुलिस को देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग कोई मान लीजिए स्कूटी, जिस तरह के यहाँ पे एक केस हुआ है उसमें उस लड़की का कोई गलती नहीं था, वो शायद हेलमेट भी लगाई हुई थी, लेकिन वो लड़का लोग ऐसा चला रहे थे जो इस तरह के, और उसके माँ बाप को भी सोचना चाहिए था कि हाँ रूल्स पे कोई नहीं चल रहा है, रूल्स पे भी ध्यान देना चाहिए और रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक करना चाहिए। जो क्या होता है ट्रैफिक रूल्स है उनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और पुलिस लोगों को भी हर जगह तैनात रहना चाहिए। आए दिन मैं देखती हूँ मेरे घर के पास में भी यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, अभी लगातार मैं लगता है 1 महीने पहले से यहाँ पे भी एक आदमी को देखे कि मतलब एक्सीडेंट हुआ। ट्रैफिक व्यवस्था में थोड़ा सा दुरुस्त है उसको करना चाहिए। हाँ वो सबसे ज़्यादा आप जिस चीज़ पर जोर दे रही हैं वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जिस तरह से आपने बताया पेपर लीक झारखंड में अक्सर हो जाए,
जाता है। तो जो बच्चा एक आप और हम जैसे परिवार जो आम परिवार से लोग आते हैं वो जो पूरे साल मेहनत करते हैं तो फिर एक दिन हताशा कहीं ना कहीं हाथ लगती है, तो वो बहुत बुरी चीज़ है, उस पर काम करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, मैं यही कहती हूँ। क्योंकि होता है कि सब कोई को तैयारी करना रहता है एग्ज़ाम का, इतना मेहनत करके बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन किसी तरह से कुछ हो जाता है प्रॉब्लम्स, तो उन सब पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें, अगर आप अस्पताल सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्थाएँ कैसे, किस तरह से हैं यहाँ पे? धनबाद की मैं तो ज़्यादा गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ देखा है, तो मतलब क्या बोलता है, सेवा तो ठीक देता है, लेकिन होता है ना कि थोड़ा बहुत तो मतलब मेंटेनेंस वहाँ भी होना चाहिए, कि गवर्नमेंट है तो लापरवाही करता है बहुत लोग, तो उन चीज़ पे तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। खुशबू ने कुछ चीज़ें जो अहम बताई वो कि यहाँ पे देखिए ज़्यादातर लोगों से जब मैंने मुखातिब हुई तो यहाँ के लोगों का जो कहना है कि एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी मांग है वो एयरपोर्ट की, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो बड़े बड़े संस्थान है वो धनबाद में है और कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अगर यहाँ पे एयरपोर्ट आ जाता है, क्योंकि कोयलांचल कहा जाता है, यहाँ पे कोल्स माइन जो देखी जाती है, तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि जनता को विकास और विकास के कुछ मुद्दे हैं वही चाहिए होता है। कैमरामैन गणेश के साथ मैं साक्षी पांडे, TV45 धनबाद। विकास होता है लोगों को विकास से, जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, सारे लोग जा रहे हैं बड़े शहरों में जा रहे हैं जॉब्स के लिए। रोजगार चाहिए, पानी चाहिए और रास्ता चाहिए। विकास के नाम पे वोट दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद भी है। विकास के तो ढेर सारे मुद्दे हैं, अपने यहाँ एयरपोर्ट नहीं हो पाया, एम्स भी निकल गया हाथ से, तो ये सारी चीजें हैं। एक महीना को उन्हीं राशन कार्ड ले रहा है लोग, राशन ना पूरा नहीं, ये हमने के दो परिवार के 10 मिले के चाहिए, 10 किलो से 9 किलो मिले था। जॉब को लेकर के तो थोड़ा युवा के लिए बहुत सारा मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा झारखंड को लेकर के, झारखंड में मतलब हर मतलब कि कहीं पे पेपर लीक हो जाता है।